गुजरात के सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लंका जाने पर हनुमान का भी विरोध हुआ था। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं हनुमान जी की पार्टी का हूं। सरकार को लगा सनातन विरोध ताकतें साजिश कर रही हैं, इसीलिए मुझे सुरक्षा दी। ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री का आया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बार फिर से उनके द्वारा मांग की गई है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लंका जाने पर हनुमान का भी विरोध हुआ था। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं हनुमान जी की पार्टी का हूं। सरकार को लगा सनातन विरोध ताकतें साजिश कर रही हैं, इसीलिए मुझे सुरक्षा दी गई। गुजरात के सूरत में ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिया गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लंका जाने पर हनुमान का भी विरोध हुआ था। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं हनुमान जी की पार्टी का हूं। सरकार को लगा सनातन विरोध ताकतें साजिश कर रही हैं, इसीलिए मुझे सुरक्षा दी गई है। राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ था। अगर सरकार को लगा आईवी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंट ब्यूरो की, चूंकि सनातन विरोधी ताकतें तो लगी हैं, तरह तरह के कयास, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के षड्यंत्र प्रतिदिन कर रहे हैं। चूंकि हम जंगलों में आदिवासियों के बीच में जो कथा की उसको लेकर के, उससे लेकर कोई फर्क नहीं। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं, हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते। यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। देवास की बात करेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। धार्मिक आयोजन में धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको देवास से बता रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है, ये विवादित बयान दिया है। धार्मिक आयोजनों में धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर उन्होंने निशाना साधा है। धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा बड़ी दुकान खोल ली।